वीडियो में एनालिसिस करेंगे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में, देखेंगे एनएचपीसी में हम लोग को फ्यूचर में क्या टारगेट देखने मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे। स्टॉक में देखा जाए तो करेंट प्राइस चल रहा है 112 रुपये 30 पैसे के अराउंड लगभग। स्टॉक आज के दिन 12% ऊपर की तरफ अप है, तब यहाँ से ऊपर की तरफ क्या टारगेट और देखने मिल सकता है ये बात करते हैं। उससे पहले स्टॉक में नीचे की तरफ सपोर्ट देखते हैं, जो कि पहला सपोर्ट है स्टॉक का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 100 रुपीज़ का लेवल, और दूसरा स्टॉक का सपोर्ट है जो कि अराउंड 80 रुपीज़ के पास है। तो किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनएचपीसी में इन्वेस्ट कर रखा उन सबका स्टॉप लॉस अराउंड 80 रुपीज़ के पास होना चाहिए, और किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऊपर के लेवल पर बाई कर रखा है उन सबका स्टॉप लॉस अराउंड 100 रुपीज़ के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार स्टॉक 100 रुपीज़ के नीचे निकलता है स्टॉक में चांसेस अराउंड 80 रुपीज़ तक भी गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन अगर 80 रुपीज़ का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो स्टॉक ऑलमोस्ट हमको नीचे की तरफ 50 रुपीज़ तक का भी गिरावट दिखा सकता है। इसलिए किसी ने बाई कर रखा है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करेगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है 112 रुपये के पास, जिस हिसाब से स्टॉक ने हम लोग को प्रीवियसली 1-2 वीक में मोमेंटम दिखाया स्टॉक में, शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट निकल कर आ रहा है जो कि अराउंड 130 से लेके 150 रुपये तक का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक हम लोग को 200 रुपये तक का भी टारगेट यहाँ से दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है जो स्टॉक में गिरावट है तो कर सकता है, या फिर 115 रुपये के ऊपर स्टॉक निकलता है तो बाई कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।